नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका सुपर सोनी में। दोस्तों, अपने साथ हुई लूट की जानकारी पुलिस को दे रही इस महिला की बात आपने सुनी। महिला पुलिस को खुद फोन करके घटना की पूरी जानकारी दे रही है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी घटनाएं तो आए दिन होती रहती है, कभी कभी पुलिस अपराधी को पकड़ लेती है तो कभी कभी ऐसा नहीं हो पाता है। तो इस वीडियो में ऐसा क्या खास है, आपको बता दें कि ये वीडियो वाकई में खास है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दरअसल यूपी पुलिस की एक महिला आईपीएस ऑफिसर ये पता लगाने के लिए निकल पड़ी कि पुलिस लोगों की शिकायत ठीक से सुनती है या नहीं। इसके लिए उन्होंने अपना भेष बदला, झूठी शिकायत करने का फोन किया और अपना चेहरा छिपाने के लिए चश्मा पहना। ये यूपी पुलिस की तेज तरार आईपीएस ऑफिसर चारू निगम है, जो अपने जिले में पुलिस की सतर्कता और प्रतिक्रिया की जांच करने के लिए तरकीब अपनाई। ठीक घटना का पुलिस को इन्फॉर्म किया और आप देख सकते हैं कि पुलिस भी शिकायत करने पर तत्काल पहुंच गई। दरअसल ये वीडियो खुद पुलिस ने पोस्ट करते हुए कहा कि जनपदीय पुलिस के रिस्पांस टाइम व सतर्कता को चेक करने के लिए आईपीएस चारू निगम ने स्वयं की पहचान छुपाते हुए एक सुनसान रोड पर तबंजे के बल पर बाइक सवार अज्ञात व्यक्ति द्वारा झूठी लूट की सूचना कंट्रोल रूम व डायल 112 पर दी गई, जिसमें जनपदीय पुलिस की कार्यवाही संतोषजनक रही। वहां सबसे रोचक बात यह रही कि पुलिस भी इस आईपीएस ऑफिसर को पहचान नहीं पाई और पीड़ित महिला समझकर ही पूरी केस की जांच पड़ताल करती रही। और पुलिस का रिस्पांस जब इस ऑफिसर को संतोषजनक लगा तो उन्होंने अपने चेहरे से कपड़ा को हटाया और पुलिस अपने सामने इस आईपीएस ऑफिसर चारू निगम को देखा तो वह देखकर दंग रह गई। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या पुलिस को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे प्रयोग करते रहने चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।